नमस्कार दोस्तों, आपने अपना ई श्रम कार्ड तो बना लिया होगा। और बना लेने के बाद आपको लोगों को ये चेक करना रहता है कि क्या हमारे पास पैसा आता है कि नहीं ई श्रम कार्ड से, और यदि आता है तो हमें कैसे चेक करना है, और यदि नहीं आता है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम आज आपको दिखाएंगे कि आप अपना ई श्रम कार्ड का पेमेंट आया है कि नहीं आया है, ये कैसे चेक करें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम अपने मोबाइल से या फिर डेस्कटॉप से या फिर लैपटॉप से गूगल में जाके आप सर्च कर लेना PFMS। अब जब ये सर्च करोगे तो जो पहला रिजल्ट है या जो साइट है जहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से खोज उसको जा सकते हो, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट कर लो PFMS.NIC.IN। जब आप इसको खोलोगे तो आप देखो कि यहाँ पे ये ऐसा इंटरफेस आ रहा है। नाउ योर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रांजैक्शन कितना हुआ है, अमाउंट क्रेडिट क्या है, FMS डैशबोर्ड, हेल्प डेस्क, ये सारा चीज़ें मिलेगा। हमें पेमेंट के बारे में चेक करना है तो नाउ योर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ योर पेमेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे है बैंक, यहाँ पे आपको बैंक का नाम देना है। जब आप अपना ई श्रम कार्ड बना रहे थे तो उस टाइम जो आपने बैंक अकाउंट दिया था उसका डिटेल यहाँ पे आपको फिल करना है। तो बैंक का नाम, जैसे मेरा बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे ये डालते ही आपको बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा, उस हिसाब से आपका जो बैंक होगा वो आप सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मान लो ये हो गया। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है। आप यहाँ पे गौर ये करना है कि मैक्सिमम लोगों के पास तो एक ही अकाउंट नंबर होती है या एक ही बैंक में अकाउंट नंबर होता है, बट यदि आपको एक से ज़्यादा अकाउंट है नहीं होगा होने होने पे तो आपने अपने ई श्रम कार्ड के साथ जो अकाउंट नंबर ऐड किए हो वो वही अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, फिर उस अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद ये जो वर्ड वेरिफिकेशन आता है ये आपको यहाँ पे डालना है। जैसे देखो यहाँ पे 335ACD है, ये हमने डाल दिया। यदि आपको पहली बार में नज़र नहीं आया तो आप इसको रिफ्रेश कर दोगे तो नया नंबर आ जाएगा। आप ये डालोगे और सेंड OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक OTP नंबर जाएगा, और वो OTP नंबर आपको जब नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने पे आप वो OTP नंबर वहाँ पे डालो और आपको सारा डिटेल मिल जाएगा यहाँ से। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।